झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस भी सभा में जा रहे हैं वहां पर रोजगार को लेकर के वो जिक्र करने से पीछे नहीं हटते हैं। सोमवार के दिन जब 827 की संख्या में माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना था उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताने की कोशिश की कि उनके कार्यकाल में चाहे JPSC का मामला हो, JSSC का मामला हो, शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो या विभिन्न विभागों में खाली पदों का जिक्र हो, तमाम विभागों में उनकी सरकार ने नियुक्तियाँ दी हैं, लिहाजा पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में रोजगार के फ्रंट पर वर्तमान UPA की सरकार ने बेहतर काम किया है। हालांकि प्रमुख विपक्षी पार्टी BJP से इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी का कहना है कि रघुवर दास की सरकार में जितनी भी नियुक्तियां हुई उसकी तुलना में ये बेहद कम है। हमने उस समय भी कहा है कि आप अस्वस्थ रहें और आपकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी और ये सरकार राज्य के जनभावनाओं के साथ राज्य की जनता की आम लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए काफी संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य करती है। पूर्ववर्ती सरकार पर कोई अगर आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको एक बार जाकर आंकड़े देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब रोजगार मेला लगा उसके माध्यम से भी और सरकार ने जो नियुक्तियाँ की थी नई नियोजन नीति के तहत जिसमें कि बाद में विवाद हो गया हालांकि उस नीति को लेकर, तो 1,00,000 नियुक्तियाँ तो उस वक्त हो चुकी थी। अब अगर सरकार वर्तमान सरकार जो है अगर 20-25 हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद ये कहती हो कि पूर्ववर्ती सरकार से हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको तो आज तक नियोजन नीति भी बना लेनी चाहिए थी, स्थानीय नीति भी बनानी चाहिए थी। 32 के खतियान की जिसकी बात वो करते हैं हर मंच से उसके लिए दम भरते हैं वो आज तक वो बना नहीं पाए। और कहाँ 5,00,000 नौकरियों का वादा करके ये सरकार में आए थे कि सालाना 5,00,000 नौकरियाँ देंगे और बेरोजगारों को भत्ता भी देंगे, वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो हम पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अपने जो 4 साल वो पूरा करने जा रहे हैं एक फैक्टशीट लेकर सामने आए लोगों के सामने कि आपने 4 साल में क्या क्या किया, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर मंच से जाकर उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और राज्य की जनता को सच्चाई से वो अवगत भी करा सकेंगे। देखिए, एक तो पूर्ववर्ती सरकार पर कोई अगर आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको एक बार जाकर आंकड़े देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब रोजगार मेला लगा उसके माध्यम से भी और सरकार ने जो नियुक्तियाँ की थी नई नियोजन नीति के तहत जिसमें कि बाद में विवाद हो गया हालांकि उस नीति को लेकर, तो 1,00,000 नियुक्तियाँ तो उस वक्त हो चुकी थी। अब अगर सरकार वर्तमान सरकार जो है अगर 20-25 हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद ये कहती हो कि पूर्ववर्ती सरकार से हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको तो आज तक नियोजन नीति भी बना लेनी चाहिए थी, स्थानीय नीति भी बनानी चाहिए थी। 32 के खतियान की जिसकी बात वो करते हैं हर मंच से उसके लिए दम भरते हैं वो आज तक वो बना नहीं पाए। और कहाँ 5,00,000 नौकरियों का वादा करके ये सरकार में आए थे कि सालाना 5,00,000 नौकरियाँ देंगे और बेरोजगारों को भत्ता भी देंगे, वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो हम पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अपने जो 4 साल वो पूरा करने जा रहे हैं एक फैक्टशीट लेकर सामने आए लोगों के सामने कि आपने 4 साल में क्या क्या किया, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर मंच से जाकर उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और राज्य की जनता को सच्चाई से वो अवगत भी करा सकेंगे।